नमस्कार दोस्तों, नया साल 2018 किसानों के लिए कैसे हो सकता है खुशहाल, आइए जानते हैं। खेती बागवानी के इस नए वीडियो में हम सभी जानते हैं कि देश के किसान सरकार से कहीं न कहीं इन दिनों नाराज से हैं। ऐसे में सरकार आगामी बजट में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अधिक जोर दे सकती है। सूत्रों की माने तो कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ समय से किसानों की आमदनी बढ़ाने के उपाय भी तलाश रही है। वह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलवाने का प्रयास कर रही है। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि आमदनी बढ़ाने के लिए डेयरी सेक्टर, मधुमक्खी पालन, कोल्ड चेन और फूड प्रोसेसिंग पर भी जोर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ाने के साथ ही उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए प्रयासरत है। किसानों की आमदनी दोगुनी करने और उत्पादन बढ़ाने की कोशिशों में तेजी लाए जाएगी। मौजूदा केंद्र सरकार फरवरी में अपना अंतिम पूर्ण बजट पेश करेगी। इस बजट पर 2019 के लोकसभा चुनाव का बड़ा असर होने की संभावना है। इन सब के अलावा खबरों की माने तो 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने, सिंचाई और कृषि उत्पादन के लिए अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिक जोर दिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक किसानों में रोष है क्योंकि उन्हें खरीफ फसल के अच्छे दाम नहीं मिले और खराब मानसून के दौरान मुआवजा नहीं दिया गया। ये सारी समस्या आने वाले दिनों में खत्म करने की सरकार पूरी कोशिश करेगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया आपका, और अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहिए खेती बागवानी.com।